दोस्तों, अगर आप लोग करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप का इस्तेमाल, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के पांच ऐसे कमाल के सीक्रेट ट्रिक शेयर करूंगा, जिसको अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे करते हैं इस्तेमाल, तो आप लोगों की व्हाट्सएप चलाने का तरीका थोड़ा सा एडवांस हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी करूँगा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आप लोगों ने बेल के आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दोस्तों, बातें ज़्यादा हो रही हैं, चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने जो है ना अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन को कर लेना इंस्टॉल। तो ये एप्लीकेशन जो है ना बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप लोगों को जो है ना ऑल इन वन फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे फीचर जिसके जरिए जो है ना आप लोग अपनी व्हाट्सएप के तरीके चलाने के तरीके को थोड़ा सा एडवांस बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाट्स पंच नाम से एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप लोगों ने सिंपल से इस एप्लीकेशन को कर लेना इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही जनाब आप इसको ओपन करेंगे, तो आप लोगों के पास सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को कर लेंगे ओपन, तो जनाब ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का मेन फीचर क्या है, वॉक एंड चैट। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम सड़क पे चल रहे होते हैं और अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो इस सूरत में हमें ये खतरा रहता है कि कोई गाड़ी वगैरह हमें आके लग ना जाए। तो इस अगर आप लोग इस फीचर को कर लेंगे अनलेबल, तो आप लोगों का मोबाइल फ़ोन का बैक कैमरा जनाब हो जाएगा ओपन, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं चैट। तो सेकंड नंबर पे जनाब जो ऑप्शन है व्हाट्सएप शॉर्टकट, यहां पे आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप शॉर्टकट शेक टू ओपन व्हाट्सएप, यानी कि अगर आप लोग इस फीचर को कर देते हैं अनलेबल, तो आप लोग अपने मोबाइल अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा हिलाएंगे तो आप लोग की व्हाट्सएप जो है ना फौरन ही ओपन हो जाएगी। तो ये आप लोग इस सूरत में काम ले सकते हैं जब आप लोग यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि भाई बैक जाए बगैर ही जो है ना अपनी व्हाट्सएप को खोल लूँ, तो आप लोग अपने मोबाइल को थोड़ा सा हिलाएंगे तो आप लोगों की व्हाट्सएप जो है ना ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद जनाब जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल मेरे मोबाइल फ़ोन में इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन में इस टाइम जो वर्जन है 5.0 चल रहा है। तो आप लोगों का अगर मोबाइल फ़ोन में 5.1 से अबव होगा तो आप लोग इस फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये व्हाट्स पॉज के नाम से जो है ना व्हाट्सएप पॉज के नाम से ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों फ़र्ज करें हमारा इंटरनेट जब ऑन हो जाता है तो हमारे जो दोस्तों के मैसेज वगैरह हैं वो हमें आना शुरू हो जाते हैं, तो दोस्तों को पता चल जाता है कि इस बंदे ने जो है ना अपना नेट ऑन किया और मेरे मैसेज सीन नहीं किए। तो इस सूरत में आप लोग जो है ना अपनी व्हाट्सएप को पॉज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका इंटरनेट ऑन भी होगा तो आप लोगों के व्हाट्सएप के कोई भी मैसेज नहीं आएंगे जब तक आप लोग यहाँ से जो है ना इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। तो इसके दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैसेज अनसेव नंबर, यानी कि आप लोग जो है ना किसी का नंबर सेव किए बगैर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल सा आके मैसेज टाइप करना है, और मैसेज जनाब टाइप करने के बाद यहाँ पे नंबर टाइप करना है और सेंड मैसेज पर क्लिक कर देना है, यानी कि आप लोगों को उस बंदे के नंबर करने की सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ जो है ना यहाँ पर आके उस बंदे का नंबर टाइप करना है और मैसेज कर देना, उसकी व्हाट्सएप पर मैसेज हो जाएगा सेंड। और इससे नेक्स्ट जो फीचर है जनाब वो भी बहुत कमाल का फीचर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप बबल, यानी कि आप लोग जो है ना अपनी किसी भी चैट का बबल बना सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ में वीडियो भी बन रही है और यहाँ पे रिकॉर्डर भी साइड पे बबल की सूरत में आ रहा है। तो आप लोग इस तरह अपने दोस्त की किसी भी चैट का बना सकते हैं बबल। सिंपल सा आप लोगों ने नोटिफिकेशन एक्सेस दे देनी है, तो आप लोग जैसे ही उस पर करेंगे क्लिक, तो आप लोगों के पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप पंच को नोटिफिकेशन एक्सेस देनी है, और एक्सेस देने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने बबल का कलर वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो जनाब नेक्स्ट है वो उसके ज़रिए जो है ना आप लोग अपनी व्हाट्सएप को जनाब कर सकते हैं क्लीन, यानी कि आप लोगों की व्हाट्सएप में कुछ ऐसे जो है ना वायरसेस वगैरह होते हैं जो कि आप लोगों के मोबाइल की फजूल में मेमोरी लिए हुए होते हैं, तो आप लोग इसके ज़रिए जो है ना उसको जो है ना वो डिलीट कर सकते हैं। आप लोगों के इससे मैसेज डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ जो है ना आप लोगों की फजूल फाइलें डिलीट होंगी। तो इसके अलावा यहाँ पर आप लोग जो है ना अगले फीचर में देख सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस सेवर, यानी कि आप लोग इसके जरिए जो है ना स्टेटस भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट फीचर में प्रैंक चैट, यानी कि प्रैंक चैट के ज़रिए जो है ना आप लोग अपने दोस्तों को एक फेक चैट बना के उनको स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर सकते हैं, यानी कि आप लोग ये दिखा सकते हैं कि जनाब हमारी जो है ना आज शायद अफरीदी से बात हुई। यहाँ पे आप लोगों ने फेक चैट खुद क्रिएट करनी है, वो किस तरह करनी है जनाब, आप ऊपर यहाँ पर चैट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो है ना कोई भी नेम एंटर कर देना है,
और जो चैट के ऊपर आ रहा होता है वो नेम एंटर कर देना, और इसके अलावा यहाँ पे ऐड अ फोटो पे फोटो ऐड करनी है, और यहाँ पे ऑफलाइन और टाइपिंग वगैरह जो भी आप लोग यहाँ पे लास्ट सीन वगैरह भी सेट कर सकते हैं खुद ही। तो आप लोग इससे जो है ना अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो फीचर है जनाब वो है व्यू डिलीटेड, यानी कि इस फीचर के ज़रिए आप लोग जो है ना अपने व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज रीड कर सकते हैं। यानी कि कोई बंदा अगर आप लोगों को जनाब आपकी व्हाट्सएप पे करता है मैसेज सेंड और बाद में जो है ना वो डिलीट कर देता है, यानी कि वो मैसेज दोनों तरफ से डिलीट हो जाता है, तो आप उसको नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप लोग इस फीचर को कर देते हैं अनेबल, तो आप लोग जनाब अपना डिलीटेड मैसेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने आपके किसी दोस्त ने जो है ना इमेज डिलीट की है, तो इमेज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो भी, चैट भी, और ऑडियो भी, रिकॉर्डिंग भी, और डॉक्यूमेंट्स भी, तमाम चीज़ें जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये एप्लीकेशन आई होगी लाजमी पसंद। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन आई है पसंद, तो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल के आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।